हामिद फिरोज आलम का क्या मामला है? ये हामिद फिरोज आलम कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख लिया गया। तो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, 14-15 साल करीब हो गए। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया, ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा कर के लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया उससे। इसी तरह धर्म परिवर्तन कर दिया। इसी तरह यहाँ जो है मैंने SP CO थाने में भी मैंने लिखी दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता चल रही है ये खंडित ना हो जाए। ये कहाँ का है? इसका कोई पता नहीं। ये बताता मैं नेपाल का हूँ, कि ये कोई जरूरी नहीं कि ये नेपाल का ही हो, ये बांग्लादेश का भी हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ भी इसके जो है अब ये हम तो नहीं जानते कहाँ है इसके प्रूफ। इसने यहाँ के आधार कार्ड, राशन कार्ड और विदेश जाने के भी उसने बनवा लिया है, सब इसने कर लिया है, सब फ्लाट। क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं सर कि यहाँ से जो है इसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव की अमन चैन बनी है। कहीं आपने शिकायत की? जी हाँ, शिकायत हमने SP को भी दिया, CO को भी दिया, थाने में भी दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं।